ప్రపంచవ్యాప్తంగా మళ్ళీ కరోనా కేసులు పెరుగుతుండడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయ్యింది. భారత్లో కొత్త వేరియంట్లు విస్తరించకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. రద్దీ ప్రదేశాల్లో ప్రజలు మాస్కులు పెట్టుకోవాలని సూచించింది. చైనా, జపాన్, అమెరికా సహా పలు దేశాలు మహమ్మారి పరిస్థితులపై అంచనా వేసేందుకు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా ఆధ్వర్యంలో హైలెవెల్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇకపై కరోనా పరిస్థితులపై చర్చించి చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రతివారం సమావేశం నిర్వహించాలని ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ఇక పెరుగుతున్న కేసుల పట్ల ప్రజలెవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు జాతీయ టాస్క్ ఫోర్స్ అధిపతి వికే పాల్. అవసరమైన పరీక్షలు చేస్తున్నామన్నారు. రద్దీ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు మాస్కులు తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలన్నారు. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో మార్గదర్శకాలపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేసులు పెరుగుతుండడంతో ఇప్పటికే రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేశామన్నారు వికే పాల్. కొత్త వేరియంట్లను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించేందుకు జీనమ్ సీక్వెన్స్ ను పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. జలుబు ఉన్నవారు కరోనా టెస్టులు చేయించుకోవాలని సూచించారు. 18 ఏళ్లలోపు పైబడిన వాళ్లంతా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని సూచించారు. ఇక ఇప్పటికే 80% మంది మాత్రమే 2 డోసులు వేసుకున్నారని, మిగతా వారంతా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని సూచించారు. సీనియర్ సిటిజన్స్ తప్పనిసరిగా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని తెలిపారు. पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है. हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं. तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए. हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा. लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे. तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो. टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं. दूसरी अबंडन प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है. लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28% को. देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%. तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए. ये भारत की पेंडेमिक रिस्पॉन्स का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए. और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है. सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए. लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप उसको लीजिए. अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं. उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूँ तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहाँ भी हमने मास्क लगाना है. इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए. एंड अगेन देयर दोज विद कोमोबिलिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए ये और भी ज़रूरी है. और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन. चाइना से जो एक, 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 एक इतना बड़ा है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, लास्ट में यही है हमारी गाइडेंस कि आप क्राउडेड, जब क्राउडेड प्लेस में हैं अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए. और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या को मोबिलिटीज हैं, उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए. क्या यही दोबारा गाइडलाइन जारी होगी डीडीएमए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं? ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ, और उसी को ही रहना चाहिए. अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे. वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग. सर जो लास्ट पॉइंट बोल रहे थे पहले लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं, जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं, बाहर या अंदर, हमें मास्क पहनना चाहिए. और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमोबिलिटीज,
एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल. देयर इज नो डिसीशन विद रिगार्ड टू एनी चेंज इन द एविएशन गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ. वैक्सीनेशन इम्प्रूव करने के लिए अब क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि जितने लोगों ने वैक्सीन लेनी थी वो लगा ली है, अब लोग खुद भी वैक्सीन लेने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे. तो हम अपील कर रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है. इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है. तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए. ये अपील कर रहा हूँ. लेनी पड़ेगी इंडिया में चौथी डोज लेनी पड़ेगी जो डबल वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी सर. साइंस के जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे पता चलता है इस नई बीमारी के बारे में, उन सबके ऊपर पूरी नजर है और सोच है, और ये नॉलेज जहाँ हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे. अभी जो कहा है मैंने, वो जो कहा है आज की डेट में यही मान्य है. इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ लीड करिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, सिम्टम आते हैं टेस्टिंग कराइए और प्रिकॉशन डोज लगाइए. इसी में बढ़ के इंटरनेशनल टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, टेस्ट करवाइए, बढ़ाना. इंटरनेशनल हमने तो रिसोर्स अवेलेबल करना है, टेस्टिंग की कैपेसिटी में कोई कमी है ही नहीं. तो आप आगे आइए टेस्टिंग करिए.